हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कामरान द एजुकेटर। आज की वीडियो में जो भी तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी से 10th क्लास पढ़ना चाह रहे हैं, डिस्टेंस से 10th क्लास और इंटरमीडिएट पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। 2021 यानी कि ये साल से आप जो है 10th क्लास अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन ओपन हो गया है, टॉस का एडमिशन ओपन हो गया है। जो भी डिस्टेंस से ओपन से 10th क्लास इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना चाह रहे वो अगस्त में अभी से ले सकते हैं एडमिशन, और अपना 10th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं और ट्यूशन पढ़ के 10th क्लास अगले साल 2022 में कंप्लीट कर सकते हैं। तो 2021 से लेके 2022 तक का एडमिशन यहां पे ओपन हो गया है। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी हैदराबाद अपनी वेबसाइट पे पूरी डिटेल्स दे दिया है, यहां पे आप देख सकते हैं। जो भी 10th क्लास टॉस से और डिस्टेंस से करना चाह रहे हैं, इंटरमीडिएट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई फॉर एसएससी यानी कि 10th क्लास के स्टूडेंट सबमिट एसएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप इंटरमीडिएट पढ़ना चाह रहे हैं यहाँ पे टॉस से, तो सबमिट इंटर ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिए। जब आप ये पूरा कंप्लीट कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, रीप्रिंट कर लेना है। अगर आप एसएससी के तो एसएससी का रीप्रिंट कर लेना है आपको एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करना है, एसएससी की फ़ी पेमेंट। आप पहले फर्स्ट सेकेंड स्टेप कर दिए बाद आपको ये थर्ड स्टेप करना है, फिर उसके बाद आपको फोर्थ स्टेप रीप्रिंट कर लेना है जो भी आप पेमेंट करे थे रिसिप्ट का, एसएससी या इंटर का। उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट स्टेप लास्ट वेरीफाई करना है कि आपकी एडमिशन फ़ी पेमेंट स्टेटस क्या है। ये आपका लास्ट स्टेप है, पूरे टोटल इतने स्टेप्स होते हैं 5, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर आप एसएससी के है, आपको टॉस में एसएससी अप्लाई करना है, 10th अप्लाई करना है, तो यहाँ पे सबमिट एसएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप फॉर्म पे क्लिक कर देंगे आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स आ जाएगी। देखिए, स्टेट आपको मेंशन करना है, डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है, स्टडी सेंटर आप कौन सा लेना चाह रहे हैं हैदराबाद में, यहाँ पे आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको राइट साइड पे एक ऑप्शन दिख रहा है, या आप पहले ये ऊपर का सबमिट कर दीजिए, उसके बाद आपको वो ऑप्शन दिख जाएगा। देखिए, अगर आप हैदराबाद में रहते हैं तो हैदराबाद डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट सॉरी, ठीक है, तो आप हैदराबाद डाल दीजिए। यहाँ पे स्टडी सेंटर है, देखिए स्टडी सेंटर जो भी आप लेना चाह रहे हैं, जैसे कि आप फिल्म नगर गवर्नमेंट हाई स्कूल लेना चाह रहे हैं, हैदराबाद बंजारा हिल्स में लेना चाह रहे हैं, जो भी आपका टॉस से रजिस्टर्ड स्कूल है सनत नगर में है तो सनत नगर लिख दीजिए। जो भी आप स्कूल से रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड कर दीजिए। अभी मैं श्री दुर्गा हाई स्कूल लल्लापेट सिकंदराबाद पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए, ये मैं क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद आपको कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं आप, एंटर द डिटेल्स एज पर स्कूल रिकॉर्ड शीट। तो कैंडिडेट का फुल नेम डाल दीजिए, आपका फादर नेम का फुल नेम डाल दीजिए, मदर फुल नेम डाल दीजिए, जेंडर सेलेक्ट कर दीजिए, मैरिटल स्टेटस डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ वंस एंटर्ड बाय द कैंडिडेट्स विल नॉट बी चेंज अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ध्यान से डालिए, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आने वाली है 10th में, टॉस में और इंटर में, वही डाल दीजिए। एक बार डाल दी बात चेंज नहीं होती है, बोला है, ठीक है। एज भी सेलेक्ट कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ क्या है आपके पास, स्कूल की रिकॉर्ड की शीट है या बर्थ सर्टिफिकेट है या स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ भी, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया हूँ। देखिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया हूँ मैं, तो सही डालना पड़ेगा आपको। स्कूल रिकॉर्ड शीट है तो वो डाल दीजिए आपको यहाँ पे, या स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट है या बर्थ सर्टिफिकेट है तो उस पर आप क्लिक कर दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप आता है, एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आपको फ़ी पेमेंट का नेक्स्ट स्टेप आता है, वो आपको सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं आपको और एक एक चीज़ ये बता देता हूँ कि एसएससी और इंटर का फॉर्म सेम है या डिफरेंस है, वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, अभी मैं जो बताया था वो टॉस एसएससी स्टूडेंट्स के लिए था, अभी इंटर का फॉर्म मैं ओपन कर दिया हूँ। देखिए, टॉस इंटर एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म सब आपको ऑनलाइन करना है। तो यहाँ पे कुछ देखिए ऊपर डिटेल्स दे रहा है, आर यू अप्लाइंग फॉर साइंस और नॉन साइंस। अगर आप साइंस को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो साइंस पे क्लिक कर दीजिए, साइंस पे सेम है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट भी सेम है, स्टडी सेंटर भी सेम है, स्कूल एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है। एसएससी आप रेगुलर से पास हुए तो रेगुलर डाल दीजिए टॉस से, और आपका जो भी एसएससी का टॉस का बोर्ड है तो बोर्ड टॉस डाल दीजिए। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द बोर्ड हो रहा है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तेलंगाना स्टेट डाल दीजिए, या तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी। टॉस से पास है तो आप टॉस का डाल दीजिए, मैं टॉस का डाल दिया हूँ 10th, ठीक है। मैं इंटर को अप्लाई कर रहा हूँ तो हॉल 3 नंबर डाल दीजिए, टॉस का मंथ एंड ईयर ऑफ पास डाल दीजिए, सब्जेक्ट कौन सा है 1, जैसे कि आप साइंस लिए है तो आपको यहाँ पे साइंस भी आएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स मेंशन करना है, तो ठीक है। इंटरमीडिएट का ये फॉर्म दिख रहा है, देखिए टोटल आपको 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, तेलुगू, हिंदी,
अगर आप लेना चाह रहे तो वो भी ले सकते हैं, उर्दू भी ले सकते हैं, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, एक मैथमेटिक्स होता है, एक इंग्लिश होता है और एक एक जो है आपको सेकंड लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो टोटल 6 सब्जेक्ट्स आपको एंटर करना है। यहाँ पे पूरी कैंडिडेट फुल नेम, फादर फुल नेम, मदर फुल नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, एज, वो ही आपको सेम फॉर्म फिलअप करना है जो 10th में आप फिलअप करे थे, ठीक है। तो ये SSC की डिटेल्स आ गई है, इंटरमीडिएट की डिटेल्स भी आ गई है। अगर आपको कुछ टॉस से जो है और डिटेल्स चाहिए, कुछ और आपको जो है डिटेल्स मालूम करना है टॉस के बारे में, तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर नोट डाउन कर सकते हैं, देखिए ईमेल भी नोट डाउन कर सकते हैं, tossadmissions@gmail.com। 5:30 PM से वर्किंग डेज है, यानी कि 10:30 to 5:30 PM के अंदर ही वर्किंग डेज है, उसी के बीच में आप कॉल कर सकते हैं, उसी के बीच में जो है आप ईमेल कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया गया है ऊपर, आप नोट डाउन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर करें। टॉस की और अपडेट, एजुकेशन की ऑल अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कामरान द एजुकेटर को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।